उदाहरण 13, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,28,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 5% वार्षिक है तो 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? उदाहरण 13, हल। यह प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग के रूप में है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दी गई वर्तमान जनसंख्या है वह है वर्तमान जनसंख्या बराबर है 1,28,000। इसके पश्चात जो वृद्धि दर दी गई है वह है 5% वार्षिक। समय 3 वर्ष। और हमें ज्ञात करना है कि 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। अभीष्ट जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग में के रूप में हमारे पास यह प्रश्न है, तो अभीष्ट जनसंख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होगा, क्योंकि अभीष्ट जनसंख्या बराबर होगा वर्तमान जनसंख्या गुणित 1 धन वृद्धि दर बटे 100 और पूरे की घात होगा समय। अब हम इसमें मान रख लेते हैं, अभीष्ट जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है, वर्तमान जनसंख्या है 1,28,000, 1 धन वृद्धि दर दी गई है 5%, 5/100 और समय है 3 वर्ष। चलिए इसे हल करते हैं। 1,28,000, 1 धन 5/100 को हल करके हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 और पूरे की घात 3। चलिए आगे हल करते हैं। हमें प्राप्त हुआ है अभीष्ट जनसंख्या बराबर 1,28,000, 1 धन 1/20 पूरे की घात 3। इसे आगे हल कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 1,28,000 और 1 धन 1/20 को हल करने पे मिलेगा 21/20 पूरे की घात 3। इसे आगे हल करते हैं, हम देखेंगे कि 1,28,000 और इसे सरल रूप में लिखने के लिए हम क्या करें, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं कि इसकी घात 3 है तो 21/20 को 3 बार गुणा रूप में लिख लेते हैं, 21/20 और फिर से गुणित 21/20। इसे हल करते हैं, 20 के पहाड़े से इसे हल करें तो 20 एकम 20 और यहाँ हमें मिलेगा, ये कितनी बार में जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 6400। इसके बाद पुनः हल करें तो 20 के पहाड़े से फिर से इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 320 और उसके बाद फिर से 20 से आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यह जाएगा 16 बार में। तो इस प्रकार आपको अंश में कितना प्राप्त हो रहा है, 16 × 21 × 21 × 21 और हर हमारा हो गया 1। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1,48,176, यानी कि अभीष्ट जनसंख्या जो हुई वह हो गई, अभीष्ट जनसंख्या बराबर 1,48,176। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ।